नमस्कार मितान्या मौर्य, आपके साथ स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। सरकार महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, जिससे महिलाएं अपने पैरों पर खड़े होकर घर परिवार की गाड़ी चलाने में आर्थिक रूप से मदद कर सके। इसी के चलते सरकार ने स्टार्टअप इंडिया के तहत ब्यूटी पार्लर खोला, जिससे महिलाएं ब्यूटी पार्लर का काम सीख कर खुद का काम शुरू कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार्टअप इंडिया के तहत खोला गया ब्यूटी पार्लर, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में करेगा मदद, आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को मिलेगा रोजगार, महिलाओं के लिए करेगा ये प्रेरणा का काम। एक तरफ सरकार महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, जिससे महिलाएं अपने पैरों पर खड़े होकर अपने परिवार की गाड़ी चलाने में आर्थिक रूप से मदद कर सके और साथ ही महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़े। पीएम मोदी जी का जो उनकी योजना थी आत्मनिर्भर होने की, तो मैं नारियों को, जो भी महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, उनको मैं यहाँ पे फ्री में शिक्षा दूंगी। साल में कम से कम 15 लोगों को उनको रोजगार का एक साधन दूंगी, ताकि वो खुद के पैर पे खड़ी हो सके और अपने परिवार को चला सके। आपको बता दें, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयागराज के राजापुर में ब्यूटी पार्लर का शुभारंभ किया गया, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने में अपना रोल अदा करेगा और इससे न केवल वो खुद बल्कि दूसरी महिलाओं के लिए भी प्रेरणा का काम करेगी। सबसे पहले तो मैं अनामिका जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने जो मोदी जी का अभियान है, जो उनका सपना है महिलाओं को स्वावलंबन बनाने का, उसमें इन्होंने शुरुआत करी है और इससे पहले भी वो करती आ रही है। और यहाँ पे इस एरिया में इनका पार्लर खुलने का जो मकसद है कि मध्यम वर्ग की महिलाओं को वो भी आ सकें और वो भी यहाँ पे सीख सकें, तो ये बहुत मेन, बहुत ही अच्छा ये है कि यहाँ पे सब तरीके की महिलाएँ आके अपना पैरों पर खड़ा हो सके। आपको बता दें कि प्रयागराज के राजापुर में ब्यूटी पार्लर का शुभारंभ किया गया है, ताकि यहां की महिलाएं पार्लर के सारे काम सीखकर खुद का काम शुरू कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। आपको बता दें, स्टार्टअप इंडिया के तहत ये ब्यूटी पार्लर खोला गया है, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगा। एक तरफ सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है, वहीं आज की महिलाएं भी सरकार के इस मुहिम को कारगर बनाने में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। हमारे इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।